हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले अपने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है करस्पॉन्डेंस विद डिवेंचर होल्डर। तो ऑलरेडी 6 चैप्टर तक हम लोग ने कर लिया था, जिसके अंदर हम लोग ने देखा था कि सेक्रेटरी किस तरह का, किस फॉर्मेट से लेटर लिखती है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि जब कोई कंपनी शेयर के बदले अगर डिवेंचर होल्डर इशू करती है, डिवेंचर इशू करती है अपने दूसरे लोगों को, तो वो किस तरह का कम्युनिकेशन वो पर्टिकुलर डिवेंचर होल्डर से करती है, सेक्रेटरी किन किन बातों का ख्याल रखती है किसी भी लेटर को लिखने के लिए, और जब आप देखोगे लेटर का फॉर्मेट तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में आज इस लेक्चर में बात करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है कि आपको लेटर राइटिंग आता है 10 मार्क का, जिसके अंदर आपको मेंशन करना होता है हर एक पॉइंट, तब जाके आपको पूरे 10 में से एटलीस्ट 9 to 8 मार्क्स मिलते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या चीज़ें हैं। पहले हम देख लेंगे कि डिबेंचर होल्डर होते कौन है। डिबेंचर होल्डर मैं बोल सकता हूँ कि अपने कंपनी के क्रेडिटर है वो लोग। जैसे कि हमने पढ़ा था शेयर होल्डर के टाइम पे, जब भी कोई अपने कंपनी का शेयर बाय करे तो वो कंपनी का ओनर बन जाता है, शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। उसी तरह से अगर हमारे कंपनी का कोई डिबेंचर बाय करता है तो हमारे कंपनी का वो क्रेडिटर बन जाता है। यानी जैसे शेयर होल्डर को हम डिविडेंड पे करते थे, वैसे डिबेंचर होल्डर को हम क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट। तो इसका बेसिक डिफरेंस आपको हमेशा दिमाग में रखना होगा। देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रेज बाय इशूइंग शेयर और डिबेंचर टू द पब्लिक। किसी भी कंपनी का कैपिटल शेयर इशू करके या तो डिबेंचर इशू करके मिलता है। द शेयर ऑफ कैपिटल इज ओन्ड कैपिटल वाइल डिबेंचर कैपिटल इज अ बोरोड कैपिटल ऑफ द कंपनी। जबकि शेयर जो होता है वो हमारा ओन्ड कैपिटल होता है, खुद का कैपिटल होता है। वहीं पर जब डिबेंचर की बात करेंगे तो वो एक तरीके का बोरोड है, बोरोड फंड है, यानी हम बाहर के लोगों से मांगते हैं। उसको लेने वाला हमारे कंपनी का मेंबर या ओनर नहीं होता, वो हमारे कंपनी का क्रेडिटर होता है। डिबेंचर इज अ एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेब्ट। डेब्ट यानी किसी भी तरह का कर्ज आपके कंपनी पे। डिबेंचर मतलब एक तरीके से बोल सकते हो वो एक कर्ज है जो आपको फ्यूचर में पे करना होगा। कैपिटल इज अ बोरोड कैपिटल ऑफ अ कंपनी, डिबेंचर होल्डर इज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। प्लीज ये लाइन को अंडरलाइन कर लेना क्या लिखा हुआ है, डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं। कंपेयर टू इक्विटी शेयर, डिबेंचर इज कंसिडर्ड एज अ सेफ एंड सिक्योर्ड कैपिटल। इक्विटी के मुकाबले अगर देखें तो डिबेंचर एक तरीके का सेफ कैपिटल माना जाता है। डिबेंचर आर इशूड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एंड इज कैरी द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एज अ सर्टेन इन्वेस्टमेंट इन द डिबेंचर। ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए डिबेंचर लिया जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जैसे 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए डिबेंचर लिया जाता है। और इस पर जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो पहले ही फिक्स हो जाता है। कंपनी प्रॉफिट करे या लॉस, आपको इंटरेस्ट रेट सेम मिलने वाला है। थर्ड पैराग्राफ है इसका, द सेक्रेटरी हैज टू कम्युनिकेट डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन टू द डिबेंचर होल्डर। ये सेक्रेटरी का काम होता है कि जब भी कोई भी शेयर इशू करो या डिबेंचर इशू करो तो सेक्रेटरी का काम होता है कि वो डिबेंचर होल्डर से, शेयर होल्डर से प्रॉपर कम्युनिकेशन रखे। मैनेजमेंट ने क्या क्या डिसीजन लिया उसका इंफॉर्मेशन लोगों तक आराम से पहुंचाते रहे थ्रू लेटर। लेटर के द्वारा ये इंफॉर्मेशन को पहुंचाना जरूरी हो जाता है। ही शुड बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल वाइल करस्पॉन्डिंग विद द डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी। सेक्रेटरी को काफ़ी कॉशियस रहना पड़ता है, यानी काफ़ी ध्यान से सारे लेटर्स को लिखना पड़ता है, हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था, लास्ट वाले चैप्टर में हमने देखा था कि किस तरह से किन किन बातों का सेक्रेटरी को ख्याल रखना पड़ता है। तो सेम पॉइंट यहाँ पे भी रिपीट होने वाले हैं, जल्दी जल्दी पॉइंट को कवर करूंगा। टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठना, चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। स्टार्ट करते हैं हमारा, क्या क्या चीज़ों का प्रिकॉशंस, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ता है किसी भी सेक्रेटरी को अपने डिबेंचर होल्डर को लेटर लिखते समय। तो उसमें आपका पहला पॉइंट है पोलाइटनेस। जैसे हमने लास्ट टाइम पे भी देखा था, पोलाइटनेस होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है।
पोलाइटनेस मतलब क्या होता है, जैसे कि हमें काफ़ी शांत स्वभाव से रह के काफ़ी प्रेम भाव से हम किसी भी लेटर को लिखें, उसमें किसी भी तरह का मतलब किसी भी हार्ड वर्ड का प्रयोग ना हुआ हो, किसी भी तरह से हमारे डिवेंचर होल्डर को कोई बात बुरी ना लग जाए, इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। बीइंग अ क्रेडिटर ड्यू टू रिस्पेक्ट शुड बी गिव टू डिवेंचर होल्डर इन द सेक्रेटरियल कॉरेस्पॉन्डेंस। जब भी सेक्रेटरी किसी भी तरह का कॉरेस्पॉन्डेंस देती है तो उसको उसका ये कर्तव्य है कि वो पूरी तरह से ख्याल रखे कि सामने वालों को किसी भी तरह का बुरा नहीं लगना चाहिए। द टोन ऑफ लैंग्वेज इन द लेटर शुड बी कर्टीसियस, काफ़ी प्रेम भावना वाली लैंग्वेज होनी चाहिए। रूड एंड हार्श लैंग्वेज शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड, किसी भी तरह का रूड लैंग्वेज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सेकेंड है प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, प्रॉम्प्ट मतलब जल्दी से, आप प्लीज मीनिंग लिख सकते हो टेक्स्ट बुक के अंदर, जल्दी से कोई भी रिप्लाई दो, प्रॉम्प्ट मतलब क्विक, जल्दी से कोई भी चीज़ का रिप्लाई आपको देना जरूरी हो जाता है। सेक्रेटरी शुड प्रॉम्प्टली रिप्लाई एंड रिस्पॉन्ड टू द क्वेरीज एंड कंप्लेंट्स ऑफ द डिबेंचर होल्डर, जो भी क्वेरी है जो भी कंप्लेन है डिबेंचर होल्डर का टाइम टू टाइम उसे पूरा करना जरूरी हो जाता है। थर्ड है लीगल प्रोविजन, लीगल प्रोविजन का भी ध्यान देना होगा आपको लेटर लिखते समय। सेक्रेटरी शुड फॉलो स्टैचुटरी प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो भी प्रोविजन बने हुए हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, सेक्रेटरी का काम है कि उस पूरे के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छी तरह से देख के तब लेटर को लिखा जाए। अदर रिलेवेंट लॉ वाइल करस्पॉन्डिंग विद द डिबेंचर होल्डर, और भी बहुत सारे लॉ इस चीज का भी ध्यान रखना होता है। सेक्रेटरी शुड कॉशियस एंड केयरफुल वाइल करस्पॉन्डिंग विद द डिबेंचर होल्डर, काफ़ी केयरफुल और काफ़ी कॉशियस से होना पड़ता है, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंफर्म पूछा ही जाता है। 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आपको अराउंड 6 से 7 पॉइंट आपको लिखने होंगे, 10 मार्क के लिए आया तो 10 पॉइंट पूरे लिखने होते हैं मीनिंग और डेफिनेशन के साथ। किस तरह का पेपर लिखना है उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर लेके आऊँगा आप लोगों के लिए एग्जाम के पास, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वीडियो भी पूरे आने वाले हैं चैनल के ऊपर, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर कर देना। फोर्थ है आपका ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, टू मेंटेन ए ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी विद डिबेंचर होल्डर इट इज नेसेसरी टू डिस्क्लोज ऑल द करेक्ट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के सारे इंफॉर्मेशन को क्या करना होगा आपको अपने डिबेंचर होल्डर लोग के साथ शेयर जरूर करना होगा। यानी अगर आप ऐसे इंफॉर्मेशन को आप डिस्क्लोज नहीं करते हो तो लोगों का आपके ऊपर से विश्वास उड़ जाएगा, लोग आपके कंपनी में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे। यानी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता बोलते हैं हिंदी में, यानी कंपनी को पता हो कि हमारे डिबेंचर होल्डर कौन है और डिबेंचर होल्डर को पता हो कि हमारी कंपनी कैसी चल रही है, तो दोनों चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। फिफ्थ है आपका कंसाइजनेस, कंसाइजनेस यानी काफ़ी छोटा लेटर, यानी बहुत बड़ा लेटर लिखना गलत हो जाएगा। लेटर ऑफ डिबेंचर होल्डर शुड बी कंसाइज मतलब ब्रीफ इन साइज, ब्रीफ होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। यानी आप अननेसेसरी पॉइंट को इंक्लूड उसमें नहीं कर सकते, टू द पॉइंट आपको लेटर लिखना होगा। अननेसेसरी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवॉइडेड, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है तो उसे अवॉइड कर देना चाहिए। सिक्स पॉइंट है आपका प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, सेक्रेटरी शुड प्रोवाइड प्रिसाइज एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन टू द डिबेंचर होल्डर, इंफॉर्मेशन मस्ट बी फैक्चुअल एंड ट्रू, जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो वो 100% सच होना चाहिए और काफ़ी फैक्चुअल होना चाहिए। यानी कंपनी से रिलेटेड जो भी नंबर्स हैं, कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, कितना इनकम हुआ, सारी चीज़ें उसे मेंशन करना होगा, कितने नंबर का डिबेंचर लिया है उन्होंने, कितना उसका भाव है, कितना आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, सारी चीज़ों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना होगा करेक्ट। सेवेंथ इज सीक्रेसी, यानी चीज़ों को सीक्रेट रखना, छुपा के रखना। कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी शुड नॉट डिस्क्लोज एनी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंपनी। सेक्रेटरी एक कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर है कंपनी का, तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि किसी भी तरह का कॉन्फिडेंशियल गोपनीय इंफॉर्मेशन आप शेयर नहीं कर सकते लोगों से। कंपनी के कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो लोगों को पता नहीं चलने चाहिए, तो उन सब चीज़ों पर ध्यान देना होता है कि वो क्या हो जाए, कि वो सारी चीज़ें शेयर ना हो, वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज ना हो, जितना जरूरी है उतना ही डिस्क्लोज होना चाहिए।
इमेज एंड गुडविल ऑफ द कंपनी। 8th पॉइंट है आपका इमेज एंड गुडविल ऑफ द कंपनी। वेल करस्पॉन्डिंग विद द डिबेंचर होल्डर सेक्रेटरी शुड ऑलवेज ट्राई टू कीप मेंटेन अ गुडविल एंड क्रिएट अ गुड इमेज ऑफ अ कंपनी इन द माइंड ऑफ डिबेंचर होल्डर। ये सेक्रेटरी का काम है कि अपने कंपनी का गुडविल काफ़ी अच्छा बना के रखे डिबेंचर होल्डर लोग के माइंड के अंदर। गुडविल यानी रेपुटेशन, कंपनी का रेपुटेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए आपके जितने भी डिबेंचर होल्डर हैं उनके माइंड में। यानी आप हमेशा कंपनी के बारे में कुछ अच्छा ही बताओ, कभी भी कोई भी किसी भी तरह की बैड न्यूज़ या फिर कोई भी बुराई कंपनी की नहीं की जानी चाहिए शेयर होल्डर या फिर डिबेंचर होल्डर के सामने। देख लेते हैं कौन कौन से सिचुएशन में, कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस में सेक्रेटरी लेटर लिखती है डिबेंचर होल्डर को। पहला है उसमें अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर के लिए लिखेगी, जब डिबेंचर अलॉट हो जाएगा तब सेक्रेटरी लेटर लिखती है डिबेंचर होल्डर लोग को कि आपको इतना इतना डिबेंचर अलॉट हुआ है। सेकेंड है इंफॉर्मेशन अबाउट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेमेंट होगा इंटरेस्ट वारंट के थ्रू या तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी शेयर के केस में देखा था। थर्ड है आपका लेटर ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर, जब भी आपका डिबेंचर कन्वर्ट होकर इक्विटी बनता है उससे भी रिलेटेड सेक्रेटरी लेटर लिख के डिबेंचर होल्डर लोग को बताती है, तो उससे रिलेटेड भी लेटर लिखा जाता है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर। फोर्थ आपका लेटर है लेटर ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो गाइज अगर मैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लेटर बोलूँ तो आपको फोर्थ वाला लेटर तो कंफर्म कर लेना है जिसका नाम है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, और फर्स्ट वाला अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। तो ये दोनों लेटर नॉर्मली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप ये दोनों करोगे फिर सेकेंड वाला करोगे उसके बाद थर्ड वाला करोगे। मैं आपको सारी चीज़ें लाइन टू लाइन कवर करता चलूँगा। ये पर्टिकुलर वीडियो में यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में हम नए लेटर के साथ आएंगे, पूरा फॉर्मेटिंग अच्छी तरह से देखने वाले हैं और लेटर आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।